अब जो है वो हमें गो ग्रीन की तरफ जाना है, गो ग्रीन एनवायरनमेंट को अच्छा करना है। अच्छा। इसके लिए हमें दरख्तों की जरूरत है, तो हमें पेपर कम से कम खर्च करना है। आपने कहीं देखा है टिश्यू पेपर हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो होता ही नहीं है। हम तो सेव अर्थ कर रहे हैं, हैशटैग सेव अर्थ, होता ही नहीं। हम कल से जो है रुमाल लेकर आएंगे। हाँ। मैं तो लाऊंगा वो जिसपे चेक बना हुआ होता है ना। हाँ, वो टिपिकल जो होते हैं। हाँ, मैं व्हाइट वाला लाऊंगी, जो इंडियन फिल्मों के अंदर सर पे बांध के जनाजा भी पढ़ लेते हैं सारे। मैं वो वाला रुमाल लाऊंगा। नहीं, मैं कुछ, आपको लगता है मैं कुछ हल्का सा लाऊंगी, मैं इस पे अखबार भी लिखा होगा या एम लिखा होगा या कुछ लिखा होगा, गुलाब का फूल बना हुआ होगा। वेरी गुड, जिससे हमेशा विलन पकड़ा जाता है। और मैं ये साइन करूंगी, ओ गुड, वेलकम मूवी में जैसे होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन हो जाएगा। अब फिलहाल जो है वो हम गो ग्रीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को साफ करना है, बिल्कुल रखना होता है, कम से कम इस्तेमाल करना है। पर हम पेपर कप से क्या क्या कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। ओके, लेकिन अगर इस पे एक दफा मिट्टी जमेगी ना तो बस ये एक ही बार का है मेरे ख्याल में, शूट के लिए बनाया उन्होंने। आप शूट कर लें, हम फिर हटा देंगे, बल्कि हम इसे निकाल के जो है वो इसमें तो कहवा सर्व करेंगे। मुझे लगता है बच्चों के रूम के लिए सही रहता है क्योंकि बच्चों का रूम मेकओवर पूरी जिंदगी होता रहता है, अनलेस वो एक एज पे आके डिसाइड करते हैं हमें ये चाहिए। और मेरे ख्याल में शायद ये उन घरों के लिए भी ज्यादा है जहाँ पर ह्यूमिडिटी का वैसे ही कम होता है, आना जाना और हवा इतनी नहीं चलती। मिट्टी तो यहाँ है ही, हमारे यहाँ है ना, अब वो अपने हिसाब से बना रहे गोरे। छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से ही बनवाना चाहिए, बच्चों से बनवाना चाहिए। ये वीडियो देखो और बनाओ। और ये कप्स बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, तो आपको आराम से मिल जाएंगे किसी भी शॉप। इसका बड़ा आइडियल साइज होता है, छोटा छोटा सा। मैं कोशिश करूंगी जब मुझे हिम्मत हो कोई भी मुझे फेवरेट हैक लगाना, मैं बना के लेके आऊंगी। वाओ, डेकोरेशन टाइप्स आधा बनाइएगा, हाफ डन। नहीं नहीं, पूरा ही बना के लाओ, पूरा बना के लाए। मैं पता कैसे चलेगा कि किसी और ने बनाया? हाँ, तो यही वजह है ना, इसीलिए मैंने कहा हाफ डन बनाइएगा ताकि ये कंफर्म हो जाए आप ही ने बनाया है। नहीं नहीं, मैंने ही बनाया होगा। आप असेंबल करके लाइएगा, हम उसे हाउ आउट कि मैं बनाते हुए वीडियो बना रही हूं। हाँ, ये हो सकता है ना, ये ठीक है, ये हो सकता है उस वीडियो के अंदर। भाई, हम उसे फोरेंसिक के लिए भेजेंगे कि कहां कहां से कनेक्ट हो रही है, फिर हमें पता चलेगा कि क्या है। और जब यहाँ यहाँ से कनेक्ट होगी ना तो पता चलेगा कि अरे वो मेरा टॉडलर है ना, वो आ गया था, वो आ गया था बीच में, तो मैंने कट कर दिया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।